तो आज हम बनाने लगे हैं टिक्के, वो भी शान पैकेट के मसाले से। और मैं कुछ घर के भी मसाले यूज़ करूँगी। तो एक बाउल में हमने डाल दिया है दही, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टिक्का मसाला। तो मैंने इसमें टिक्का मसाला डाल दिया है, और अब मैं और घर के जो मसाले हैं वो ऐड करूँगी। सो मैंने इसमें ऐड करा है, आप देख सकते हैं, काली मिर्च और हसबे जितना आपको चाहिए, हसबे जायका या हसबे ज़रूरत, सॉरी, और लाल पिसी हुई मिर्चें और हल्दी और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और हमारे ये रखे हुए हैं, हमने टिक्के बनवाए हैं। ठीक है, तो ये टिक्का है और शान पैकेट मसाला हमने यूज़ करा है, और घर के मसाले। अब इसको हम मैरिनेट कर देंगे चिकन को इसमें, इस मिक्सचर में, इस तरह से हम सब टिक्कों को जो है ना इसमें मिक्स कर देंगे कि मसाला अच्छे से लग जाए इसमें। और इसको हाफ एन आवर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। तो मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है, मैरिनेट कर दिया है चिकन को। ठीक है, और अब मैं इसको हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। उसके बाद हम इसको स्टीम में पकाएंगे, या देखेंगे जिस तरह मैं अभी सोचती हूँ कि इसको किस तरह बनाना है मुझे, क्योंकि मुझे ऑयल बहुत कम यूज़ करना है, इसलिए तो मैं इसको शायद स्टीम में ही बनाऊंगी। जब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। सो गाइस, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें अब मैं डाल रही हूँ ऑयल, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि हमें ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है। तो चिकन को हमने हाफ एन आवर से ज़्यादा ही मैरिनेट करके रखा हुआ था। ठीक है, इस तरह से अब मैं इसमें डाल दूँगी टिक्कों को। इसी तरह से मैं ये सारे टिक्कों को इसमें डाल दूंगी। तो ये सब टिक्के मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं, और अब ये जो चिकन है और इसमें जो हमने दही मैरिनेट मसाला जो करा था दही में, तो चिकन और दही अपना पानी खुद छोड़ेंगे इसमें। ठीक है, हम कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। अब देखें इस तरह से, सही है, और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम लोग रख देंगे कवर करके, को कवर कर देंगे आप। ठीक है, अब जब तक कि ये स्टीम में होती है, बहुत ही स्लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है, तो हम वेट करेंगे। जैसे ही ये बनते हैं मैं आपको शो करती हूँ। इसको हटा के देखते हैं, देखें ये इस तरह से इसने कितना सारा पानी चिकन और दही ने निकाला है। अभी ये हो रहे हैं हमारे टिक्के, तो मैंने थोड़ी फ्लेम को अभी तेज़ कर दिया ताकि ये बोटियाँ इसकी टूट ना जाए। गाइस ये देखें, इस तरह से इसने पानी अब इसका खुशक कर रही है। मैंने इसके ऊपर से इसका ढकना हटा दिया है, अब ये इसी में खुशक हो जाएगा सब, और जो इसका थोड़ा मसाला रह जाएगा इसी में रहने देंगे, और फिर हम इस पर कोयले का भगाड़ देंगे, उसका धुआं देंगे, सॉरी। तो इसका सारा पानी खुशक हो गया, और अब इसमें मैं रख रही हूँ कोयला। ऐसे ही रख देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे, और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। सो गाइस, हमारी ये टिक्का कढ़ाई जो है, टिक्का कढ़ाई बोल लें या टिक्का बोल लें मसाले वाला, ये रेडी हो चुका है, और हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बड़े ही मज़े का नज़र आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई